तो हम सोशल अवेयरनेस के और ट्वेंटी क्वेश्चन करते हैं चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडियन सोशल रियलिटी इज रिलीजियस मल्टीकल्चरल होमोजेनियस होमोजीनियस एंड आइडियोलॉजिकल तो इंडियन सोशल रियलिटी जो है ना वो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है द कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोशल ऑर्डर इज मतलब इंडिया का जो सोशल ऑर्डर का प्रिंसिपल्स किस पे है मतलब हमारा ट्रॉलेंस एंड एंड कॉन्फ्लिकस डायवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टन ऑफ दीज तो देखिए ये डायवर्सिटी तो है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं ये तो नहीं हो सकता सोशल हमारा प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी आ गया है तो टॉलरेंस एंड कंसिनंस तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है ए ऑप्शन सेकेंड ग्रुप डिमांडिंग रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ

हम सब जानते हैं कि बी आर अंबेडकर ही हमारे जो क्या माने आर्किटेक्ट माने जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और बी आर अंबेडकर जो है ना किसके चेयरमैन भी थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी किसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे कंसीडर द फॉलोइंग राइट टू एजुकेशन राइट टू एंपावरमेंट या फिर right लैंग्वेज किसी के भी बेसिस पर मानी जा सकती है इंडिया में विच इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन द फैमिली स्कूल मास मीडिया एंड हॉस्पिटल तो फैमिली स्कूल एंड मास मीडिया ये तीनों के तीनों जो हैं सोशलाइजेशन एजेंसी हैं सोशलाइजेशन की तो उसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हॉस्पिटल जामिया इस्लामिया वाज इस्लामियाबलिड टू

एनोसिएटेड इन इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ दिडक्शन ऑफ पॉवर्टी स्ट्रेंथनिंग कैपिटल मार्केट एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिडक्शन ऑफ जेंडर इनक्वलिटी तो इसका आंसर है जेंडर इक्वलिटीज को रिड्यूस करने के लिए इलेवंथ फाइव ईयर प्लान हमारा ये इसको इंक्लूड नहीं करता क्योंकि जो फाइव ईयर प्लान था वो पॉवर्टी मार्केट कैपिटल और इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तीनों को इंक्लूड करता था ठीक है थीक?

तो मन की बात जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक रेडियो पर शो आता है उसको उसके तो कनेक्टिंग मतलब के लिए ठीक है निर्भया फंड इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर मीटिंग द लीगल एक्सपेंसिस ऑफ द रेप विक्टिम प्रमोटिंग डिग्निटी ऑफ एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वुमेन एम्पावरिंग वुमेन रिड्यूक्शन रिड्यूसिंग जेंडरिटी तो निर्भया का जो फंड था वो वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए हमने यूज किया है जो निर्भया नाम से हमें फंड हमने बनाया है हु इज द नेशनल सैनिटेशन ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया स्मृति रानी हेमा मालिनी विद्या एंड नजीब जंग तो विद्या को हमने सैनिटेशन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया का सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी इज अबाउट स्टेटस so, के, तो के लिए ये कुछ आ, कुछ टाइम पहले ये मुद्दा भी उठा था हमारा वट टाइप ऑफ जस्टिस एग्जिस्ट इफ एम्प्लॉयज आर बींग ओपन ऑनेस्ट एंड ट्रस्टफुल इन देयर कम्युनिकेशन एटवर्क किस तरह का हमें एग्जिस्ट होते हैं ये बताना हमें तो इसको कहते हैं हम इंटरेक्शनल ठीक है इसको याद कर लेते हैं इंटरेक्शनल कहते हैं हम इस चीज़ को नेशनल नेशनल एंथम तो एंथम बाय तो किसने कम्पोज किया था बंकिम चट चट्रोपाध्याय और अगर यहीं पर हमें पूछता है नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया है तो किसने किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने लेकिन ये नेशनल एंथम पूछा है तो बंकिम चट्र चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक है द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो देखिए नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी नहीं है ना हिंदी है ना इंग्लिश है ना हिंदुस्तानी है बल्कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम मानते हैं लेकिन नेशनल लैंग्वेज किसी को भी नहीं मानते तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मलाला मलाल इज एन न्यूज इन इज इन, इन न्यूज बिकॉज शी इज वॉन्टेड टू तो सेटल डाउन टू यू एस फॉर गर्ल्स एजुकेशन फाइट फॉर जेंडर इक्वलिटी फाइट फॉर रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान तो मलाला यूसुफ जो है वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी इस वजह से वो न्यूज में है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा तो इसके हमने क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन कर हैं जर्नल अवेयरनेस के अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर